नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। शुमाल मशरकी दिल्ली में जो फिरका वाराना फसादात हुए थे उसमें मजलूमों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और गैर जानिबदाराना तरीके से तफ्तीश ना करते हुए जानिबदाराना रवैया अख्तियार किया था। जिन लोगों को लूटा गया था उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया था, ये बात वाकई बहुत ही काबिले मजम्मत बात है। इस मामले में अब एडिशनल सेशन जज ने समाप्त करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी की वजह से जो ये तफ्तीश हुई है, इसको दिल्ली की फसाद की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इस मामले में मौलाना सैयद अरशद मदनी का भी यही कहना है कि वो शुरू से ही कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने गैर जानिबदाराना तरीके से तफ्तीश नहीं की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। शुमाल मशरकी दिल्ली में जो फसादात हुए थे इसी ताल्लुक से रोजनामा इंकलाब ने एक अहम खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, दिल्ली फसादात के असल मुजरिमीन को आखिर कब पुलिस गिरफ्तार करेगी। तफसीली खबर कुछ इस तरह है, शुमाल मशरकी दिल्ली में गुज़िश्ता साल हुए फिरका वाराना फसादात में दिल्ली पुलिस का किरदार अब अदालत ने भी तश्त अजबाम कर दिया है, जिसका मिल्लत इस्लामिया हिंद की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। कानूनी चारा जोई करने वाली जमात जमियत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुसलमानों को फंसाने वाली दिल्ली पुलिस की नाकस तफ्तीश और तासुबाना कार्रवाई पर अब अदालत ने भी मोहर लगा दी। चुनांचे दिल्ली पुलिस की असल सूरत अब तश्त अजबाम है, लेकिन हमारा सवाल है कि दिल्ली पुलिस आखिर फसादात के असल मुजरिमीन को कब जेल की सलाखों में पहुंचाएगी। वादे रहे कि शुमाल मशरकी दिल्ली के फिरका वाराना फसादात के मामले की समाप्त करने वाली करकटडूमा कोर्ट दिल्ली के एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने काफी सबूतों शवाहिद और नाकिस तफ्तीश की वजह से तीन मुस्लिम नौजवानों को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अब इन मुलजिमीन को मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुलजिमीन में आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम के साथ राशिद सैफी और शादाब शामिल हैं। अदालत ने उन्हें मुकदमे से बरी करते हुए अपने फैसले में लिखा है, दिल्ली पुलिस की नाकिस और नाकाम तफ्तीश की वजह से दिल्ली फसाद को तारीख में याद रखा जाएगा। अदालत के इस फैसले पर जारी अपने बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम तो पहले दिन से यह कहते आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जानिबदाराना तफ्तीश की और मुसलमानों को गिरफ्तार किया। अदालत ने खुद इस बात को नोट किया कि दिल्ली पुलिस ने नहायत नाकिस तफ्तीश की है। खुसूसी जज के तबसरे से हमारे मौकिफ को तकवियत मिली है कि दिल्ली फसादात में मुसलमानों की जान और माल को लूटा गया, फिर उन्हें ही गिरफ्तार भी कर लिया। मौलाना मदनी ने कहा कि ये कितने अफसोस की बात है कि दिल्ली फसाद में जो मजलूम हैं, जिन पर जुल्म हुआ, पुलिस ने उन्हें ही जालिम और मुजरिम बनाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जबकि इस फसाद की साजिश रचने वाले आज भी आजाद घूम रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तफ्तीश और गिरफ्तारी के नाम पर कानून और इंसाफ की जिस तरह बेहुर्मती हुई है, इसकी तस्दीक अदालत के सख्त तबसरे से भी हो जाती है कि दिल्ली पुलिस की इस नाकस तफ्तीश के लिए दिल्ली फसाद तारीख में याद रखा जाएगा। ख्याल रहे कि जमियत उलमाए हिंद की कोशिशों से दिल्ली फसाद में मुबैना तौर पर माखूज 92 मुस्लिम मुलजिमीन की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। जमियत उलमाए हिंद के वकला का पैनल कुल 139 मुकदमे देख रहा है। ये भी ख्याल रहे कि जमियत उलमाए हिंद की कानूनी इमदाद कमेटी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार बेगुनाह मुस्लिम और गैर मुस्लिम नौजवानों के भी मुकदमात लड़ रही है। अब तक दर्जनों लोग निचली अदालत से लेकर अदालत उज़्मा तक से बाइज्जत बरी हो चुके हैं।
आसाम के एनआरसी के मुकदमात में भी जमीयत उलमाए हिंद ने अहम किरदार अदा किया है और अब भी इसने आसाम के लोगों को तनहा नहीं छोड़ा है। कानूनी चारजोई के साथ साथ जमीयत उलमाए हिंद राहत रिसानी के साथ साथ फसाद जदगान के लिए बाज आबादकारी का काम भी अंजाम देती है। शुमाल मशरकी दहली के फसाद जदगान के लिए भी अब तक कई मकानात तामीर कराए हैं, मस्जिदों की भी मरम्मत कराई है। इसी तरह गुज़िश्ता महीने करीब 68 मकानात मजीद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के फसाद जदगान के हवाले किए हैं। इनकलाब ब्यूरो से बात करते हुए सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी ने बताया है कि हम इन दिनों महाराष्ट्र के कोंकण में सैलाब जदगान के लिए काम कर रहे हैं, इनके लिए भी मकानात की तामीर जल्द होगी। तो ये थी नाज़रीन दोस्तामा इनकलाब में शाया खबर। जिस तरीके से दिल्ली फसादात के मामले में एडिशनल सेशन जज ने फैसला सुनाया है, यकीनन ये गैर जानिबदाराना फैसला काबिले तारीफ है। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, एमएमसी न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।